सो माई एक्सपीरियंस इट वॉज एन एडवेंचरस एक्सपीरियंस ओवरऑल। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ कसाला प्रवीण। चेहरे पर मुस्कान लिए इस बच्ची ने अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट किलिमंजारो को फतह किया है। महज 13 साल की उम्र में माउंट किलिमंजारो को फतह कर इस बच्ची ने बड़े बड़ों को हैरान कर दिया है। अपनी हिम्मत हौसले से नाम रोशन करने वाली इस बच्ची का नाम मुरिकी पुलकिता हास्पी है, जो हैदराबाद की रहने वाली है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी फतह करने के बाद हास्वी अपनी खुशी और अपना अनुभव सबके साथ बांट रही हैं। सो माय एक्सपीरियंस इट वाज एन एडवेंचरस एक्सपीरियंस ओवरऑल। बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन एवरीथिंग वाज ऑनलाइन। आई हैड टू गो टू द जिम। देयर इज अ जिम क्लोज बाय, सो आई केप्ट यूजिंग द जिम, बट आई हैड ऑनलाइन फिजिकल फिटनेस क्लासेस। सो या I had those online classes, and then I was cycling frequently. I was also doing home workouts, you know, to increase my flexibility. Yeah. 19,341 feet ऊंचा किलिमंजारो पर तिरंगा फहराकर हास्वी ने देशवासियों को गौरवान्वित कर दिया है। हास्वी ने बताया कि उन्हें एवरेस्ट बेस कैंप पर जाने के बाद एहसास हुआ कि उन्हें दुनिया की सभी सातों ऊंची चोटियों पर चढ़ना चाहिए। इसलिए इसकी तैयारी शुरू कर सबसे पहले हास्वी ने माउंट किलिमंजारो को फतह किया, और अब आने वाले वक्त यानी कि 2024 से पहले हास्वी दुनिया की सभी सात चोटियों को फतह करना चाहती हैं। उसका कहना है कि इसके लिए उसने सारी योजना बना ली है। So in mountaineering, I really want to scale the seven summits before 2024. And my last expedition would be the Everest, like the mighty Everest. So I've planned to scale all the seven summits and to be the youngest to scale the seven summits. And my message to the youngsters would be that. This message, you know, is not for them to choose mountaineering. It's basically to conquer their own mountains in their heads. Like, for example, someone doesn't like exams, you know, you're supposed to conquer it. If you conquer it, you'll be able to know the real value of the thing you're the most scared of. मुरिकी पुलकिता हास्वी ने देश के सभी युवा पीढ़ियों को संदेश दिया कि आपको पर्वतारोहण नहीं चुनना, बल्कि अपने जीवन में आने वाली मुश्किलों को जीतना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।